पंजाब च कैंसर के अलावा एक होर अजिही बीमारी अपने पैर पसारती जा रही है जिसका इलाज जेकर संभव नहीं तो महंगा जरूर है। यह बीमारी है काला पीलिया अते पंजाब दे सरकारी हस्पतालों च इसका इलाज उपलब्ध नहीं है। ऐसे गल का फायदा उठा के कुछ निजी हस्पताल मरीजों नूं इस बीमारी का इलाज कराने लई लोन दे रहे हैं। पंजाब च इस वेले कैंसर तो बाद काले पीलिए के मरीजों की गिनती च लगातार वाधा हो रहा है। इसे साल अप्रैल च होए एक सर्वे दौरान इस गल की पुष्टि भी हो गई है। सर्वे च पता चलिया कि 15% आबादी काले पीलिए की मार हेठ है। इन्ना ही नहीं बल्कि पुलिस विभाग ने भी अपने महकमे अंदर काले पीलिए संबंधी सर्वे करवाया जिस विच 10% मुलाजमान नूं काला पीलिया होने के तथ्य सामने आए हैं। पर सब तो वड्डी त्रासदी यह है कि पंजाब के सरकारी हस्पतालों में काले पीलिए के इलाज लई कोई इंतजाम नहीं ने, इसलिए इस बीमारी का इलाज निजी हस्पतालों में हो रहा है। काले पीलिए तो पीड़ित मरीज के इलाज लिए घट्टो घट 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा होता है, पर काले पीलिए की लपेट में आने वाले बहुते परिवार गरीब होते हैं, इसलिए यह इलाज उनकी पहुंच तो दूर है। इस पिंड जो काला पीलिया है वह बहुत जो है भयानक रूप धारण कर चुका है। इस पिंड जेकर आप निगाह मारीए तो हरेक घर के जे एवरेज लाइए 5 मैंबर आदेशों 4 मैंबर जोड़े है वो काले पीलिए बीमारी के नाल पीड़ित है। अपील का चला भी सानू तो है ही दोह जिया लड़के भी गह नूहों भी हो चुके भी हम नूह पुतों बारे भी सोचीद तो गह नूह पुता वे भी बाल बच्चे बारे सोचते हैं भी, पर बहुत औखा है भी इस पिंड 5 मैंबर चो एक मसें घर करी टोटल बचे भी टोटल आए आए नहीं भी ये किसी घर भी ना होगा। कुछ महीने पहला फरीदकोट जिले के पिंड जगत सिंह वाला और इस दे नाल दे कई पिंडां दे पीड़ित व्यक्तियों ने परिवारां समेत इलाज की मंग नूं लैके प्रशासन के दफ्तरां सामने धरने भी दिते सन, पर इस दे बावजूद सरकार ने पीड़ितों के इलाज लई कोई हमदर्दी नहीं दिखाई। सरकार तो असी जिहड़ा हैगा पहले मंग करते हैं भी एक तो इन्हां दा हैगा काले पीलिए दा इलाज आ वो इन्हां दा फ्री इलाज होना चाहिए हैगा। असी इस मंग नूं लैके कुछ महीने पहला मुक्तसर के मुक्तसर जिले के मूहरे धरना लाया सी नौजवान भारत सभा वालों, असी वो मंग पत्र दिता सी अधिकारी नूं भी जेकर साढ़े लोगों का फ्री इलाज ना किया गया तो जिहड़ा नौजवान भारत सभा आने वाले समय के जिहड़ा काले पीली नाँ की बीमारी लैके सारे पंजाब पद्धर जिहड़ा हैगा एक वड्डा संघर्ष विढ़ूगी। असी यह मंग करते हैं जेकर इन्हां लोगों का इलाज ना किया गया तो जिहड़ा नौजवान भारत सभा तिखा संघर्ष करेगी। तो जिहड़ा एक गल होर जिहड़ी तुहाडे नाल करनी चाहुंदा जिहड़ियां प्राइवेट कंपनियां जिहड़ियां हैगियां वो उन्हां दे जिहड़े होस्पिटल आ वो जिहड़ा हैगा इत्थों दी जिहड़ा हैगा लुट कर रहे आ लोकां नूं जिहड़ा हैगा उन्हां नूं किश्तां दे उप्पर कह रहे आ भी साडे कोल तुसीं इलाज करवाओ असीं तुहानूं असीं थोड़ी जमीन गहने रख के असीं तुहाडा फ्री इलाज असीं तुहाडा किश्तां ते इलाज करांगे। गुरु गोबिंद सिंह मैडिकल कॉलेज के 3 डाक्टरों के खोज पत्र में भी 15% आबादी को काला पीलिया होने की पुष्टि हुई है। इस दे बावजूद पंजाब का सेहत विभाग पीड़ितों की गल सुनने लई तैयार नहीं। सरकार के माड़े सेहत प्रबंधा का निजी हस्पतालों ने पूरा फायदा उठाया। कुछ निजी हस्पतालों ने काले पीलिए तो पीड़ित व्यक्तियों के इलाज लई कर्जा देने की स्कीम शुरू की है। निजी हस्पतालों में इस कर्जा स्कीम का विशेष प्रचार भी किया जा रहा है। मरीजों इलाज लई 2 साल तक आसान किश्तों के कर्जे की वापसी करनी होगी जबकि मरीज के तंदुरुस्त होने की कोई तसली नहीं दी जा रही। इतने मैडिकल कॉलेज ने स्टडी की है जिसे मतलब 16% के आस पास हेपेटाइटिस के केस आए ने। साढ़े वास्ते भी एक मैसेज आया कि सानू ये कंसर्न फील करने की लड़ है कि सानू यू चैक करने से जिन्हें बैरियर लाने हैं जिसे लोगों की हेल्थ की एजुकेशन है वो शामिल है तो ये जो साढ़े हेल्थ वर्कर है जो इंजैक्शन लाते हैं सर्जरी करते हैं सर्जरी हेल्प करते हैं तो या जे है वर्करस जोड़े है किसी भी तरह की ब्लड के नाल एसोसीएट एक्टिविटी करते हैं काले पीलिए संबंधी अंकड़े जो भी बयान करते हो जिले के डिप्टी कमिश्नर इस गल दरकिनार करते हैं कहते हैं कि सरकार अपने वालों लोगों की सेहत संभाल बहुत कुछ करेगी। काले पीलिए के अंकड़े सामने ने पंजाब सरकार का इस बारे कोई अधिकारिक बयान अजे तक नहीं आया। निजी कंपनियां इस भयानक बीमारी के इलाज लिए कर्जा स्कीम के जरिए अपनी जेबां खबरां दी दुनिया विच आओ साडे नाल कदे भी ते कितों भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।